हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल में। और फ्रेंड, मैं सोई हुई थी तो एकदम से शिवम बोला, मम्मी मुझे खाना खिला दीजिए, खाना खिला दीजिए। तो इसके लिए देखिए खाना ले आई हूँ। ये सीतापुर की सब्जी है, चावल है। अरे बोलता है ना, मम्मी आप अपने हाथ से खाना खिलाते हो तो मुझे अच्छा लगता है, स्वाद आता है, ज़्यादा स्वाद आता है। मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैं बोला मम्मी बस खिला दीजिए, खिला दीजिए। मैं उठ के सो के उठी तो कंघी लगाई, उसके बाद से इसको खाना लिया के। और फ्रेंड, ये दो बज के 20 मिनट हो रहा है, तो सुबह का समय नहीं है, 2 बज रहा है। 2 बजे से वीडियो चालू की थी फ्रेंड। मैं सीताफल की सब्जी में ना कोहड़ा बोलते हैं ना, कोहड़ा उसके सब्जी में खटाई डालती हूँ, आम के अचार बहुत अच्छा लगता है खाने में। अच्छा लग रहा है, स्वाद बढ़ गया। फिर 2-4 बर्तन है, वो धोना है, झाड़ू लगाना है। जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड प्लीज़। और रात में मैं 8:30 या 9 बजे आती हूँ लाइव, आप लोग मेरे लाइव में ज़रूर आइएगा फ्रेंड, हेल्प कीजिए। मेरा वीडियो बहुत कम लोगों के में देखते हैं। मैं बर्तन धो दूँ, ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़ा सा है, यही शिवम खाया हुआ ही बर्तन है। देखिए ये थाली है, और जिसमें चावल रखी थी वो देखिए, ज़्यादा बर्तन नहीं। फ्रिज में पानी रख दिया, बोतल खाली हुआ तो शिवम क्या करता है, बोतल खाली रहता है तो पानी पी लेता है, खाली करके जब बोलती हूँ तब जाकर रखता है। आज तो रखा है अपने घर से, इसलिए आज तो रखा था, मुझे मैं देखी थी, बाकी दिन तो नहीं रखा है। और आज फ्रेंड शनिवार के दिन हमारे घर खिचड़ी बनता है फ्रेंड, तो खिचड़ी बनाएंगे, मसूर के दाल लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी एक बार बना के देखिएगा और खा कर देखिएगा। हमें वो क्या बोलते ब्राउन राइस होता है ना, काला वाला राइस, गाँव में हमारे बोलते हैं उसको उतना चावल, उसी में बनाऊंगी, वही हम खाते हैं। वो चावल खाने से ना इसमें गैस नहीं बनता, तो पहले वो चावल को भिगो के रख दूंगी, फिर से साथ में खिचड़ी बनाऊंगी। और ये कुकर का सीटी है, इसमें चावल चिपका हुआ था तो ये भिगो के रख दी थी, तो देखिए तो अच्छा से छूट गया है, ऐसे सूख जाता है तो छूटता नहीं है। और मैं इसमें इस कटोरी में चावल भिगो के रख दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं भिगोंगी। देखिए फ्रेंड इतना, इतना चावल ले लियो, ये वो ब्राउन राइस इसको बोलते हैं, वही है। और इससे आज खिचड़ी बनाऊंगी मसूर के दाल में, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए अब इसको धो के भिगो कर रख दे रही हूँ 2-3 घंटा तक। 6 बजे से मैं खाना बनाने लगती हूँ, 6 बजे का तो खिचड़ी बनाऊंगी। और मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग को भी दिखाऊंगी।
ये वाला चावल खाने से गैस नहीं बनता है, और मुझे थायराइड है ना, इसीलिए मैं ये वाला चावल खाती हूँ। बहुत लोग इस चावल को पसंद नहीं करते हैं, और क्या करें, हम लोग मजबूरी में खाते हैं। हमारे घर शिवम को पसंद नहीं है, इसके पापा को भी पसंद नहीं है, मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे ये वाला चावल खाने में मतलब आदत पड़ गया है ना, ये वाला चावल खाते खाते तो मुझे यही अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड, चावल धोली और इसको भिगो के रख दे रही हूँ, जल्दी बन जाता है खिचड़ी, ऐसे भिगो के रख देती हूँ तो बिना भिगोए बनाती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है। इसको ढक दे रही हूँ, ढक दे रही। अब मैं जा रही हूँ, कपड़ा है देखिए, ये कपड़ा है देखिए फ्रेंड, ये कपड़ा धोई हूँ सुबह का, तो 11 बजे धोई थी और सूख गया है। गर्मी के दिन में तो बहुत जल्दी कपड़ा सूख जाता है, तो इसको लेके आऊँगी, फोल्ड करके रख दूँगी और झाड़ू झाड़ू लगाना है, झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लग गया और मुझे लगा बहुत ही प्यास, पानी पी ले रही सो पी उठी हूँ, जब से लगा है प्यास तो अभी तक पी नहीं हूँ। ये देखिए दिन भर फ्रिज खोलता रहता है, पता ना क्या मिलता है इसको। ज़्यादा चिल्ड नहीं है पानी, हल्का है, नॉर्मल है, बहुत टेस्टी प्यास लगी है, पी लूँ। रख देना बाबू बोतल, तो चलिए फ्रेंड अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। देखिए फ्रेंड, शिवम जा रहा है ट्यूशन, 3 बज गया है, 3 बजे से जाता है ट्यूशन, और यहाँ पे जा रहा है मास्क लगाने के लिए। बाय, दरवाजा लगा दो, मेन दरवाजा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, और ये मसूर की दाल धो ली हूँ दो पानी से, और इसको सिंपल बनाऊँगी खिचड़ी, मसाले वाला नहीं बनाऊँगी। मसाले वाला भी बनता है पर मैं सिंपल सादा बनाऊँगी। सिंपल खिचड़ी खाने में भी सही रहता है, सेहत के लिए सही रहता है। तो ये चावल धो के रखी थी पहले से और भिगो दी थी, तो इसको इसी में डाल दे रही हूँ। नमक हल्दी डाल दूंगी, उसके बाद से रख दूंगी गैस पे बनने के लिए। नमक डाल दी और हल्दी, कुकर का ढक्कन लगा के रख दूंगी बनने के लिए। देखिए फ्रेंड, रख दी हूँ खिचड़ी गैस पे बनने के लिए, और एकदम मध्यम आँच है, धीमा आँच, स्लो है, धीमे आँच पे बनाती हूँ, क्योंकि ये चावल धीमा आँच पे अच्छा से गलता है। और शाम देखिए, शाम के बज गए हैं, 7 बजने वाले हैं शाम के, देखिए। तो चलिए फ्रेंड, खिचड़ी बन जाएगा तो आप लोग को दिखाऊंगी कैसा बना है खिचड़ी। ये देखिए फ्रेंड, खिचड़ी बन चुका है, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। अब मैं निकाल दूंगी ठंडा होने के लिए। देखिए फ्रेंड, थाली में निकाल के रख दे रही हूँ, ठंडा हो जाएगा तो हम लोग खाएंगे, और आप लोग भी आ जाइए मेरी सादी सिंपल सी खिचड़ी खा लीजिए। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, देखिए। और ये सब्जी है खिचड़ी के साथ खाने के लिए, और आ जाइए आप लोग खाने। और मेरी ये सिंपल सादी सी खिचड़ी कैसी लगी
आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड। और मैं अभी 8:30 या 9 बजे आऊँगी लाइव, मेरे लाइव में ज़रूर आइएगा फ्रेंड। चलिए मिलते हैं कल वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।